हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और घर में सेफ होंगे। तो ठीक रहिए और घर में सेफ रहिए, ठीक है। तो हमने आपसे लास्ट वीडियो में दो पहेलियों के आंसर्स पूछे थे। इस वीडियो में उसके आंसर्स बताने वाले हैं। पहली पहेली जो मैंने पूछी थी उसका आंसर है टंग, जीभ। और जो मैंने पहेली पूछी थी उसका बहुत सिंपल सा ही आंसर था, उसका आंसर था पंजाब। हाँ तो ठीक है, अब हम अपना नया चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं चैलेंज स्टार्ट, ठीक है। तो आज का हमारा चैलेंज है, पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप पूरी वीडियो देखना और मतलब मेरे चैनल को लाइक और भी कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मतलब हम इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। तो आज का हमारा चैलेंज, आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा कि हाँ ये पर्चियाँ वर्चियाँ क्या रख रखी हैं और ये स्केच पेन वगैरह क्या रख रखे, कुछ लिखने का ही काम होगा। तो सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैलेंज है वो है विदाउट हैंड्स ड्राइंग चैलेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हाथ से तो ड्राइंग करेंगे नहीं, तो हम कहाँ से ड्राइंग करेंगे? नाक से भी नहीं करेंगे, कान से भी नहीं करेंगे, तो हम करेंगे अपने मुंह से ड्राइंग। तो मजा आने वाला है, पूरी वीडियो देखना जरूर, बीच में स्किप मत करना वीडियो। इस चैलेंज में हम क्या करेंगे, हमें जो है यहाँ पर हमने एक बाउल में पर्चियाँ जो है कुछ चिट्स इकट्ठी की हुई है, जिसमें जिस चीज को हमें ड्रॉ करना है वो लिखा हुआ, उसका नाम लिखा हुआ है। तो हमें एक एक करके घर भी बनी हुई है, उसको हमें एक एक करके पिक करना है। और मैं अलग पिक करूंगी, मेरी सिस्टर अलग पिक करेंगी और हमें ड्राइंग करनी है। तो भी मुंह से, और हम दोनों एक दूसरे को जो है नहीं मैं बताती, टेस्टिंग या नहीं, ठीक है ठीक है, मैं बताती। तो हम पहले अनुष्का पर्ची उठाएगी, तो वो ड्राइंग वो बनाएगी और मैं बताऊंगी, मैं उस टाइम जज बनूंगी कि सही बनाई है या फिर गलत, ठीक है। और उसके बाद मैं पर्ची उठाऊंगी और मैं उसे ड्रॉ करूंगी, उस टाइम मैं अनुष्का जज। तो हम शुरू करते हैं, तो करेंगे स्टोन पेपर सीजर, कौन पहले ड्रॉइंग करेगा? मैंने दीदी को नहीं बताया था, देखो सरप्राइज हो गई। ये तो गलत बात। तो चलो, मैंने वो स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। दीदी करेंगी चैलेंज, दीदी करेंगी चैलेंज। तो ठीक है, तो मानी दीदी पिक करिए चिट। हां वो काम मैं कर लूंगी, वो काम के लिए मैं ना गिरा दो, सारी गिरा दो। तो रेडी, वन टू गो, तू कर दो, बस हो गया। तो अब हम इसको साइड रख देते हैं और चीटिंग नहीं करनी। क्या आया है? मैं नहीं बता रही। हमारे फ्रेंड्स को तो दिखा दो। हाँ ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा दूंगी। तो देख लो, मुझे बनानी है ये फिश। ओ मेरे को भी पता चल गया। तो ठीक है, अब मैं बनाती हूँ अपनी फिश मुंह से। चलो फिर, लाओ हम क्या खोल लेते हैं। हाँ ये इतना काम ही मैं कर लूंगी अब। नो नो नो, तो एक बार देख लो इस फिश को कैसे ड्रॉ करना है। हाँ ठीक है, देखो देखो। तो मैं है ये, क्योंकि इसके विंग्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं पास कर देती हूँ, बिकॉज
अभी मेरे साथ जो होगा ना फिर मुझे भी नतीजा मिल जाएगा ना, तो मैंने पास देख लो मैंने कैसी ड्राइंग बनाई है। फ्रेंड्स इसमें लगभग पता चल रहा है मुझे, अगर पता नहीं चल रहा होता तो मैं इसको फेल कर देती, बट मुझे पता चल रहा है तो मैंने इसको पास कर दिया है। ये तो नेक्स्ट ड्राइंग अनुष्का बनाएगी, तो 1 2 3 गो। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब ये मुझे दे दो। ये मुझे बनाना है जो भी है क्रिसमस ट्री, जो तो भाई मैं इसे बना लो आपका पेन, ये क्रिसमस ट्री। तो इसे बनाना इतना आसान नहीं है, मैं बनाई और मैं थोड़ा मार मुझे तो बनाते हुए बहुत हंसी आ रही थी सही में, मैं मार पीट के थोड़ा सा सही कर लूंगी और मैं देख लेती हूं एक बार कैसे है, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है। विश बनी क्रिसमस ट्री, इतना बड़ा नाम तो बन, छोटा नाम तो बना नहीं, इतना बड़ा नाम बनाने जा रही हूं। तो मैं शुरू करने जा रही हूं, रेडी गेट सेट गो। पूरी देखो मुझे पता है ना अनुष्का जी की ड्राइंग कितनी अच्छी बनाई है, बनाना ये था बन कर गया, तो दीदी अपने को मार्क्स देंगे, तो चलो हम मैं मार्क्स दी, मार्क्स नहीं फेल या पास करना है, मार्क्स दे, मुझे क्या पता चल रहा है इसमें। हाँ मुझे इससे पता चल रहा है क्रिसमस ट्री बना रखा है। है ना फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना मेरा बहुत दिमाग है, मैंने इसको पास कर दिया। बच्ची है मेरे पास, अब मैं चुनूंगी अपने लिए। रेडी गेट सेट गो। जल्दी खोलो फ्लावर। अब देखो ये तो मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी सही में। फ्लावर आया, फ्लावर, फ्लावर कितना अच्छा होता है दिखने में, सबको खुश कर देता है। अब देखेंगे दीदी की ड्राइंग मुझे खुश कर पाएगी कि नहीं। आई घूरो तो ये मैं पहले मैं ऊपर लिख लेती हूँ, इसके कोई पास वास नहीं, मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं लिखी, सीधा फेल, मैं नहीं देखूंगी नाम अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा। चलो मेरा फ्लावर, हंसना नहीं है आप तो पहले माता ठीक है पकड़ लो। बनाने के लिए दिए तब ये हाल हो रहा है, अगर मैं कुछ बनाने के लिए दूंगी और बड़ा तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए वो ना बने। बस पूरा हो गया, बस हो गया। डांस बनाना क्या था यहाँ पर, बनाना था देखो मेरा फ्लावर, ये फ्लावर है देखूं तो मुझे नहीं लग रहा, बनाना ये था, ये देखो बनाया ये है। तो मुझे तो ऐसा ही बनेगा ना, मैं बना देना, मेरी हंसी आ रही है, मैं करूँ क्या तो समझ नहीं आ रहा इसमें बनाया क्या है। सो आई वॉन्ट टू फेल दिस ड्रॉइंग, ओके होल्ड दिस एंड बारी है मेरी। तो यहाँ पे मेरे पास बाउल है, तो मैं क्या है क्या है क्या है, हर मुश्किल चीज़ ना मतलब मेरे पास ही आनी है। देखो फ्लावर है, मुश्किल है फ्लावर, कितना मुश्किल था, और मछली कितनी ईजी थी। मेरे को बनाना है ट्री जो बहुत ही अच्छा होता है, तो ट्री फ्रेंड्स लगाने बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं पेपर में लगा देती हूँ और बाहर जाके मिट्टी में उगा दूँगी, उग जाएगा मैं पेड़। बहुत अच्छा ट्री बनाया है, देखो गाइस मेरी सिस्टर ने ट्री बनाया है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा।
आप बता दो जरा मुझे इसमें पास करना चाहिए फेल करना चाहिए। तो चलो थ्री तो ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है पास कर दिया मैंने पास। तो अभी तक मेरी दोनों ट्री की ड्राइंग आई थी, क्रिसमस ट्री आया था और एक नॉर्मल ट्री आया था। तो अब मेरी बारी है, मैं करूँगी अपना चैलेंज। रेडी थ्री टू वन गो। बस बटरफ्लाई, अब आएगा मजा। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कितनी सुंदर होती है, कितनी सुशील होती है। अब देखेंगे बटरफ्लाई दीदी सुशील बनाएंगी या कुशील बनाएंगी। तो गाइस मुझे इस टाइप की बटरफ्लाई चाहिए, मुझे भी आपको भी चाहिए होगी ना इस टाइप की। तब तक मैं अपनी ड्राइंग देख लेती हूँ कि मैंने कितनी बढ़िया ड्राइंग बनाई है दोनों। तो एक इस बार को हम साइड से रख देते हैं और जो हमारे पास कम्प्लीट हो गए हैं वो हम उनकी चीज साइड रखते हैं। तो रेडी थ्री टू वन गो। पहले लिख लेती हूँ बटरफ्लाई। अनुष्का को बनाना है अम्ब्रेला।
दिखा दो जरा अपना अम्ब्रेला, देखते हैं आप कैसे बनाती हैं। तो चलो वन, ऐसा लग रहा है कि इसको मारने जा रही है। वन टू थ्री गो। हो गया। तो गाइस देख लो अनुष्का का अम्ब्रेला कैसा लगा आपको। वैसे लग तो रहा है अम्ब्रेला, क्या करूं क्या करूं, आपकी मर्जी है, आप मेरे को फेल भी कर सकती हो। मैंने पास कर दिया, अम्ब्रेला तो लग ही रहा है ना। तो वो टास्क पूरे हो गए हमारे, तो अब बाउल कहां है? अब है मेरी बारी, ये मेरा और अनुष्का का लास्ट चांस है। तो अब आपका ऐसे मेरा नहीं है, मैंने चुन लिया। भगवान कुछ अच्छा अच्छी हुई है। अब देखते हैं क्या कारस्तानी बनने वाली है। ये गिरा विकेट और ये ऊपर से दे दिया अंपायर ने आउट। तो और हमारे जो खेल खिलाड़ी हैं वो गए आउट और निराश होकर जा रहे हैं। तो आज का मैच यहीं खत्म होने वाला है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा कप बन गया, मेरा कप बन गया। तो देखो गाइस मेरा कप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं क्या ड्राइंग बना रही हूँ। वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो कप ये है और कप ये है, बता दो कौन सा कप है मेरे को। ये भी कप ही लग रहा है, ये मुझे बिल्कुल ही कप नहीं लग रहा है, ये मुझे लग रही है बकेट। आइसक्रीम बारी है, आइसक्रीम बनाने की। रेडी वन टू थ्री गो। और यहाँ पे मिल गया, देखो खाने लग चुकी है। देख लो खाने में भी ऐसी मिलेगी आपको अनुष्का की आइसक्रीम। तो कैसी लगी आपको आइसक्रीम? मैं चलो इसको, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको कर देती हूँ पास। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी ड्राइंग्स है वो पास है, उसी बेसिस पे हम पॉइंट्स लेंगे फाइव में से। तो वन टू थ्री फोर फाइव, मेरी पाँचों की पाँचों जो है वो पास है। और मेरी अनुष्का ने एक फेल की है फ्लावर वाली। देखो मैंने कितना अच्छा फ्लावर बनाया था, फेल कर दी। अच्छा सजा सजा मिलेगी दीदी, जो लास्ट बची है ना आपकी चिट, उसको आपको ड्रॉ करना। मारो मुझे मारो, ये सजा है ना। तो वैसे इतनी सारी ड्राइंग कोई बनी नहीं सही से। एक सजा है तो सुबह में देख लेते हैं। एप्पल, एप्पल बनाना है गाइस। देखो तो ये दीदी की सजा है, तो मैं बनाने जा रही हूँ अपना एप्पल। तो अब देखते हैं दीदी का एप्पल कैसा लगता है। तो इसमें एक आप क्या हो गया, तो मैं अपना एप्पल बनाने जा रही हूँ और मैं खुद पकड़ कर सकती हूँ। और गाइस ये बिल्कुल बढ़िया वाला एप्पल लग रहा है जिसे मैं खा सकती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ये नेचुरल फ्रूट ही चला भाई एप्पल ही वो क्या कहते हैं कद्दू लग रहा है, कद्दू ही लग रहा है मेरे को। ये क्या लग रहा है, ये मेरे को लग रहा है भुलिया। What is भिलिया? भिलिया? What is भिलिया? लोगों को पता है, कमेंट में अपने आप बता देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो चलो गाइस, अब मैं इसको काट देती हूँ, अब पता भी क्या करूँगी? पास, 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 पास। ये क्या है? ये क्या लिखा है? पापे, ना पे, ना पास। पापे क्या होता है गाइस? पापे? ये मेरा खुद का वर्ड बनाया है जो मैंने अभी भी इंग्लिश में बोला है। मुझे मारो। ओ भाई से भी मारो। तो इसका मीनिंग है ना पास ना फेल। तो दीदी को मिलेंगे आज हमारा चैलेंज। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपके लिए भी मैं दो चीज बनाने के लिए लाई हूँ, आप अपने घर में क्या क्या बना सकते हैं और आपको मुंह से बनाना है और मुझे भेजना है, ठीक है? तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। ओके तो शेयर जरूर करना। तो मैं आपके लिए लाई हूँ, आपको बनाना है, आपको बनाना है एक पाइन एप्पल, एक मैं बताऊंगी, एक अनुष्का बताएगी। आपको ड्रॉ करना है एक सन, सन और पाइनएप्पल। आपको ये दो चीजें अपने
मुंह के थ्रू ड्रॉ करनी है और हमें इंस्टाग्राम पे पिक को सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, और आपको हमारा ये चैलेंज कैसा लगा? प्लीज आपको मजा आया और आपको हंसी आई? नहीं आई फिर भी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, मुझे बोलेगा।